सो ऑल राइट गाइज, क्या हाल चाल, बढ़िया सब। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो टेक्निकल गुरुजी कल ट्वीट करके बताएं कि उनके पास अनबॉक्सिंग के लिए 1 करोड़ का प्रोडक्ट आया है। तो उनके चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी एक से दो दिन के अंदर। बट आपको क्या लगता है वो 1 करोड़ का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट। मुंबई के निखिल ने कल अपने चैनल पर एक ब्लॉग अपलोड किए, देन वहाँ पर वो बात किए उल्टे सीधे कमेंट्स के बारे में, क्योंकि उनकी हाल ही में शादी हुआ उसके रिगार्डिंग उनके कमेंट सेक्शन में बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे। तो आइए दिखाते हैं आपको वीडियो का छोटा सा क्लिप को, वीडियो में क्या कहें। इंटरेस्टिंग कमेंट चैनल से नोटिस किया, क्या लिखा है वो? सुहागरात का ब्लॉग और बनाओ प्लीज, उसकी बहुत जरूरत है। कमेंट किया वो? कोई अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, देखो भाई साहब, जैसे आप अपने ठरकी दोस्तों से ऑल्ट वाला जी का अकाउंट लेके वेब सीरीज देखते हो तो वही देखो। चीप चीप नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली मेंटालिटी हो गई है लोगों की। तो मैं अपनी वीडियो के थ्रू ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि कुछ चीजें बहुत पर्सनल होती है। सुहागरात के अलावा बहुत चीजें होती है कि शायद मेरी मॉम की दोस्ती पहले मैंने नहीं बताया, और उस चीज की वजह से आज मेरी मॉम और शायद की दोस्ती हो गई है। समथिंग इज वेरी सीक्रेट, वेरी पर्सनल। हालांकि मुझे अगर व्यूज चाहिए होते हैं तो मैं माई सुहागरात ब्लॉग और कैसे रही हमारी सुहागरात फर्स्ट नाइट फर्स्ट वट एवर सब करेंगे मैं टाइटल डाल के ब्लॉग को खींच सकता था और ऑडियंस अट्रैक्ट कर सकता था। लेकिन ये सब टाइटल से किस तरह की ऑडियंस आती है ये आप लोगों को मालूम है। मैं इतने सालों से जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास एक ऐसी नीच ऑडियंस है, ऐसी मस्त जबरदस्त ऑडियंस है ना, जो की बहुत कम लोगों ने। हमारी ऑडियंस काफी डिसेंट है, बहुत डिसेंट है, बहुत ज्यादा। हमारी 99% ऑडियंस बहुत अच्छी है। कोई ऐसा टाइटल डाल। तो चलिए बात कर लेते हैं क्रेजी एक्स वाई जेड के बारे में। तो उन्होंने चैलेंज रखा हुआ, अगर उनके 30 डेज के अंदर मींस 1 मंथ के अंदर अगर उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो वो 1000 ट्रीज को प्लांट करेंगे। अभी उनके चैनल पे 8 मिलियन सब्सक्राइबर के अप्रोक्स हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इमिवे का। तो इमिवे का रिसेंटली एक सॉन्ग आया था बाय द टाइटल नेम ऑफ व्हाट आई कैन डू, जो कि एक नेपाली सिंगर है नेस्टी, उन्होंने अपने चैनल पे 4 साल पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उनसे ये सॉन्ग काफ़ी मिलता जुलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में नेस्टी ने अपने चैनल पे आज से 2 दिन एक सॉन्ग अपलोड किए जिसमें वो इमिवे वंटाया को सबलिमिनल डिस किए हैं, बट अभी इमिवे की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। तो चलिए बात कर लेते हैं भुवन बाम का। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम भुवन अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए हैं पिताजी गोट टैलेंट, तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने अपने इंस्टा पे कुछ स्टोरी लगाए थे। तो आइए दिखाते हैं आपको स्टोरी। तो स्वाइप अप कीजिए और लाइक करना ना भूलें, कमेंट डाल दें अगर आप वीडियो देखने गए हैं तो कमेंट डालें। और जैसा कि हम यूट्यूब का कुछ महीनों से पैटर्न देख रहे हैं कि स्पैमर्स बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने जेन्युइन कमेंट्स, प्रेम भरे कुछ बोल कमेंट सेक्शन में डाल दें, इसको स्वाइप अप करें, जल्दी जल्दी पहुंचे, कमेंट डाल दें और लाइक करना ना भूलें। आपको पता ही है मेरे को न्यूट्रिएंट्स वहीं से आते हैं। नया एपिसोड आ गया है, देख लो, इनको समझाओ कुछ, मेरी बिल्कुल कदर नहीं करते, हंस रहे थे मेरे पे, बताओ कमेंट सेक्शन में कितना अच्छा कलाकार हूं मैं, है इसको स्वाइप करो ऊपर, देखो लाइक कर देना। तो चलिए बात करते हैं गौरव जॉन का। तो गौरव जॉन रिसेंटली कल अपने इंस्टा में एक पोस्ट किए थे जिसमें बेसिकली एक बच्चा पाकिस्तान का जो कि गौरव जॉन का बहुत बड़ा फैन है, तो उसी के रिगार्डिंग में उन्होंने अपने इंस्टा पे एक वीडियो पोस्ट किए थे। आइए दिखाते हैं आपको वीडियो। अभी यार आपको इंडिया में कोई क्रिकेटर या एक्टर कोई अच्छा लगता है? मुझे ना क्रिकेटर ना कोई एक्टर, मुझे एक यूट्यूबर इंडिया का अच्छा लगता है। कौन है वो? गौरव जॉन। अच्छा, वो है कौन? गौरव जॉन ब्लॉगर है वो भी आपकी। अच्छा अच्छा, ब्लॉगर है, उसके 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर है। अब जी ठीक है, मैं भी घर जाकर उसको देखूंगा कि क्या है, जो तुझे वो पसंद है शायद मुझे भी पसंद आ जाए। शायद वीडियो के बाद गौरव जॉन को जो इतने हेट्स मिलते हैं वो शायद मिलना कम हो जाए। बाय द वे लेट्स चेंज द टॉपिक। तो आइए हम लोग बात करते हैं आशीष चलचलानी की। तो आशीष चलचलानी, तो जैसे कि आप लोग को पता होगा आशीष चलचलानी निकलोडियन के लिए 2020 में नॉमिनेट हुए थे एंड वहां पर बहुत सारे यूट्यूबर नॉमिनेट हुए थे, बट आशीष चलचलानी फाइनली निकलोडियन यूट्यूबर अवार्ड चॉइस जीत चुके हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में अपने इंस्टा पे पोस्ट किए थे, तो ये दिखाते हैं आपको पोस्ट। सो फिलहाल मेरे पास पूरे यूट्यूब कम्युनिटी एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इतना न्यूज़ था, और कोई भी अपडेट आती है तो मेरे चैनल के थ्रू आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।